सभी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं भोजन प्राप्ति के लिए, इसीलिए पूजनीय है भोजन। भोजन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन को भी पूजनीय माना गया है, इसी वजह से खाने से पहले भोजन को प्रणाम किया जाता है। फिर अन्न देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इसके साथ किसी दिव्य मंत्र का एक बार जप करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में कई भोजन मंत्र बताए गए हैं जिन्हें खाना खाने से पहले बोला जाता है। इसके अतिरिक्त हम गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय जैसे वैदिक मंत्र बोलकर भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के प्रभाव से हमें हमेशा ही भोजन मिलता रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। मंत्रों की शक्ति से हम सभी भली भांति परिचित हैं। भोजन से पहले मंत्र बोलने पर व्यक्ति को भूख अच्छे से लगती है और खाना पचने में कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही मंत्रों की शक्ति से भोजन से असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं यह भी कहा गया है कि यदि आप मंत्र ना बोल सके तो अपने गुरु या अपने इष्ट का स्मरण करके भोजन शुरू कर सकते हैं। भोजन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। गेहूं में नाग केसर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पिसाना शुभ होता है। तवे पर रोटी सेकने से पूर्व दूध के छींटे मारना शुभ है। सूखे फूल घर में ना रखें। हर वीरवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा में या पूजा स्थान के पास ही रखना उचित होता है। सप्ताह में एक बार घर में गुग्गल का धुआं करना शुभ होता है। मकान में 3 दरवाजे एक ही सीध में ना हो। घर में गोल किनारों के फर्नीचर ही शुभ हैं। घर में टूटी फूटी कबाड़ अनावश्यक वस्तुओं को ना रखें। दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरियाली से परिपूर्ण चित्र लगाएं। संत महात्माओं के आशीर्वाद देते हुए चित्र बैठक में लगाएं। वास्तु की माने तो उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ होती है, इसलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।